हाउस ऑफ हिरनदानी का ये प्रोजेक्ट बन रहा है साउथ बेंगलुरु के बानेरघट्टा में। लोकेशन का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि यहाँ से करीब 21 किलोमीटर की गोट्टीगेरे नागावारा मेट्रो लाइन होकर गुजरेगी, जो कई कमर्शियल हब को कनेक्ट करती है। साथ ही बानेरघट्टा से एयरपोर्ट के लिए बेहतर रोड कनेक्टिविटी है, तो वहीं आउटर रिंग रोड भी काफी करीब है। एक ओर बानेरघट्टा में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और मॉल्स हैं, तो वहीं दूसरी ओर नेशनल पार्क और लालबाग बॉटनिकल गार्डन भी तकरीबन 10 किलोमीटर के दायरे में हैं। हाईवे और मेन रोड से अंदर होने की वजह से टाउनशिप का पॉल्यूशन लेवल भी काफी बेहतर है। आप कहीं भी कोई भी देश शहर देखो, कोई भी देश में, तो पॉल्यूशन लेवल्स आजकल मेन रोड्स पे काफी हो गए, क्योंकि सिर्फ वो मतलब जो हवा में वो जो पार्टिकल्स नहीं, लेकिन वो जो बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे जो गैसेस जो ट्रैफिक की वजह से आता है, मेन रोड पे ही ज़्यादा रहता है। और वो रिकमेंडेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कि 500 मीटर से ज़्यादा रहना चाहिए मेन रोड से, अच्छे मतलब हेल्थ, अपने फैमिली के हेल्थ के लिए। और अपना टाउनशिप है एग्जैक्टली 1400 मीटर दूर बानेरघट्टा रोड, मेन रोड। हाउस ऑफ हिरानंदानी का नेतृत्व करते हैं सुरेंद्र हिरानंदानी। इन्होंने बेंगलुरु, चेन्नई में वर्ल्ड क्लास टाउनशिप बनाई है, तो वहीं हैदराबाद में प्लॉटेड डेवलपमेंट भी किया है। मुंबई के पवई में लैंडमार्क प्रोजेक्ट हिरानंदानी गार्डन सिटी को बसाने में भी सुरेंद्र हिरानंदानी का भरपूर योगदान रहा है। अब बात करते हैं हाउस ऑफ हिरानंदानी के बानेरघट्टा प्रोजेक्ट की। तैतीस एकड़ की जमीन पर डिजाइन इस प्रोजेक्ट में 27 मंजिल के 3 टावर्स तैयार हो चुके हैं और 3 टावर्स का निर्माण जारी है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ 1 बेडरूम फ्लैट से लेकर 4 बेडरूम तक कई तरह के ऑप्शंस हैं, जिनका एरिया 595 स्क्वायर फीट से लेकर 2233 स्क्वायर फीट तक जाता है। हफीज कॉन्ट्रैक्टर द्वारा डिजाइन क्लासिकल आर्किटेक्चर में तैयार इन इमारतों में कुल 1500 के करीब फ्लैट्स डिजाइन किए गए हैं। बाहरी एलिवेशन के साथ ही अंदरूनी हिस्से में भी लग्जरी फील देने की कोशिश की गई है। हाउस ऑफ हिरानंदानी के इस प्रोजेक्ट को जो सबसे अलग बनाता है वो है इसकी प्लानिंग में खुलापन। मेन गेट से रेजिडेंशियल टावर्स तक आने के लिए 8 मीटर चौड़ी रोड है। पूरे जो फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है सब, यू नो, जो बच्चों को जब चाहते हैं कि कुछ करें हम रिक्रिएशनल में, स्पा और सलोन भी बनाए वहाँ, और दुकानों का भी प्रोविजन किए, वो वहाँ दुकान भी खुले हैं। तो जो नेसेसिटीज हो, जो अंदर ही हो, बाहर किसी को जाना नहीं पड़े डे टू डे नेसेसिटीज के लिए। तमाम इंडोर आउटडोर एमिनिटीज हैं, मसलन ब्लू टर्टल क्लब में मॉडर्न जिमनेजियम, पूल एंड बिलियर्ड्स, बैडमिंटन, स्क्वाश कोर्ट जैसी सुविधाएं हैं, तो वहीं बाहरी हिस्से में टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल और रेस्तरा फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब उस लोकेशन पे आपको फ्यूचर में ऐसे अपार्टमेंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको और दूर जाना पड़ेगा। और जैसे मेट्रो लाइन आएगा तो मतलब काफ़ी जंप होगा प्राइसेस में, तो मतलब मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आएंगे ये नेक्स्ट 4 इयर्स में। ऐसे में आपके जहन में सवाल उठता होगा कि इन घरों की कीमत क्या है। आपको बता दें यहाँ तमाम तरह की कॉन्फ़िगरेशन है, इस लिहाज से यहाँ 40 लाख से लेकर 2,41,00,000 में घरों के विकल्प मौजूद हैं। रहने के लिहाज से तो ये प्रोजेक्ट एक शानदार ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये निवेश के लिहाज से कैसा होगा? 33 एकड़ में फैला हुआ है टाउनशिप, तो हम सब बनाए हैं, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम एंड 4 बेडरूम, तो आपको सब वैरायटीज मिल सकते हैं। एंड वो मतलब एज लो एज अपना 40 लाख में मिल सकते हैं और 2.5 करोड़ में भी मिल सकते हैं।